दोस्तों अगर आप लोग भी यहाँ पर फ़ोन पे से किसी को भी पेमेंट करते हैं, देखिए हम अपना पिन भी जनरेट करते हैं और यहाँ पर जो हम अपना पिन इंटर करते हैं उसके बाद जब हम टिक पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इस तरह का पिन आ जाता है, यूपीआई पिन नोट सेट। आखिरकार ये क्या है, किस रीज़न से आ रहा है, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर दूसरी बैंक है उसको भी हम सेलेक्ट करके देखते हैं और यहाँ पर देखिए इसमें भी इशू आ रहा है। अब यहाँ पर ये क्यों आता है टेक्निकल, यहाँ पर देखिए जो देयर ए इशू टेक्निकल जो है, यहाँ पर जो बोला है कि आपके बैंक के अंदर जो है टेक्निकल इशू है और यहाँ पर जो बैंक के अंदर है ये कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक से हो जाएगा, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पेमेंट भेजनी होती है, कुछ और चीज़ें करनी होती है जिसके लिए दिक्कत होती है। तो इसके लिए करिए क्या, आप लोग यहाँ पर पूरी साइडों को क्लियर करिए और अपने एरोप्लेन को एक बार यहाँ पर जो है चालू करिए और जैसे आप एरोप्लेन को चालू करते हैं उसके बाद इसे ऑफ़ करिए। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर जो होता है फ़ोनपे उसे दोबारा से ओपन करिए। दोबारा से ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए कि अगर आपको इस तरह की दिक्कत आ रही फिर भी, तो मैं फिलहाल दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए फिर भी दिक्कत आ रही है तो घबराना नहीं है, आपको इसी की जैसी गूगल पे एप्लीकेशन अगर आप चला रहे हैं इसी नंबर से तो गूगल पे एप्लीकेशन को साइन इन कर सकते हैं। और जैसे आप इसको साइन इन करेंगे तो हम दिखा देते हैं फिलहाल आपको साइन इन करके। ये देखिए हमारा गूगल पे जो है साइन इन हो रहा है और यहाँ पर जो हमारा गूगल पे है वो साइन इन हो चुका है और इसके बाद जो बैंक है हमारी उसे एक्टिव करना होगा। जैसे हम यहाँ पर इसे एक्टिव करते हैं तो आप देखेंगे ये हमारा काम हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारी बैंकें हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी और यहाँ पर जुड़ जाएंगी और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप पिन सेट करना चाहते हैं तो पिन सेट कर सकते हैं, तो हम फिलहाल यहाँ पर पिन भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर पिन सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख डाल के देख सकते हैं, ये देखिए हमारा पिन काम कर चुका और यहाँ पर आपका जो गूगल पे है वो लॉगिन हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग गूगल पे से चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं या फिर अगर आपको दिक्कत हो रही थी बैंक बैलेंस चेक करने में तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं इस बैंक का दिखा देता हूँ, ये देखिए हमारी बैंक का जो बैलेंस है अगर नहीं चेक हो रहा है तो यहाँ पर गूगल पे में भी प्रॉब्लम चल रही है, बैंक में सर्वर डाउन है इसी वजह से दिक्कत आ रही है। और यहाँ पर आप कुछ टाइम बाद ट्राई करिएगा, हो जाएगा।